Hello students, today we discuss decimals. This is the second video of decimals. In this video, we do the operations. Operation means addition, subtraction, multiplication and division. First question is related to addition. Page number 47. First question, add the following decimals 10.8 and 6.3. First A, 10.8 and 6.3. 10.8 may have 6.3 को add करें. 10.8 plus 6.3 decimal नीचे decimal आना चाहिए. 8 plus 3 11 1 plus 6 is 7 and 1 the answer is 17.1. next question, question number E, simple से decimal है आपका पहले के previous classes में कर चुके हैं. 16.05 and 8.68 do the addition. So 16.05 plus 8.68. 5 plus 8, 13, 1 get it. 1 plus 6 is 7. Plus 6 plus 8 is 14, 4, 1 get it. 1 plus 1 is 2. Answer is 24.73. This is the additions question related to additions. Next question, K. K means 3 digit same. 3 digit ka addition kaise karte hain? जैसे k पर 964 2.20 111.99 per 20.25 do the addition. जब भी आप decimal की questions करते हैं, first thing is necessary decimal part बिल्कुल straight होना चाहिए. ठीक है, डेसिमल वैल्यू डेसिमल में होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए. पॉइंट से पहले वाली डिजिट इंटीजर पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाली होती है डेसिमल पार्ट. 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 5 14, 4 1 के 2 1 3 3 1 2 5 5 9 14 4 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 1 प्लस 6 is 7 and then 9. The answer is 9774.44. इस टाइप से आप क्या करेंगे एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सबट्रैक्ट डिफरेंस. ऑन द पेज नंबर 48, ऑन द पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन सेकेंड ए. फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन सबट्रैक्शन क्वेश्चन. सेकेंड ए क्वेश्चन 25.43 from 62.95. 25.43 subtract karna hai from the 62.95. 62.95 minus 25.43. This is a question of subtraction. 5 minus 3, 2. 9 minus 4 is 5. Decimal 2 minus 4 is not possible. 10 in 1, this one is 12. This is 5. 12 minus 5 is 7. 5 minus 2 is 3. The answer is 37.52. तो इस तरीके से हम subtract करेंगे. Subtract में from जब भी लिखा रहता है तो second value minus first value होता है. जैसे next question, question number 3, simplify. Easy questions हैं, आप बहुत easily इनको subtraction addition कर सकते हैं. जैसे question number 3, question is 40.65 plus 90.22 minus 67.45. First, do the addition. 40 plus 40.65 and 90 plus 22. दोनों का addition है. 5 plus 2 7, 6 plus 2 8, 0 plus 0 9 plus 4 13. तो 113.87. अब इसमें से सेपरेट कर दीजिए नेक्स्ट वैल्यू 67.45. 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 4 4, 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल टेकिंग 1, 10, 10 माइनस 7 इज 3, दिस इज 2, दिस इट मींस 12 माइनस 6 इज 6. आंसर इज 63.43. तो जब भी आपसे सिंप्लीफाई बोलेगा तो पहले आप एडिशन कर दीजिए देन सबट्रैक्शन. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में करने. नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट क्वेश्चन हम मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट, दिस इज फर्स्ट ए पार्ट, 45.6 मल्टीप्लाई का सम। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जिस तरीके से आप इंटीजर्स वैल्यूज में मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरीके से डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ओनली एक डिफरेंस होता है कि डेसिमल्स की क्वेश्चंस में जब आप प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एंड में आंसर पे डेसिमल जितने डेसिमल डिजिट है उतना डेसिमल आपको अप्लाई करना पड़ता है। 45.6 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35 4 39 3 7 4 28 3 28 3 31। जैसे आप इंटीजर पार्ट में करते हैं बस डेसिमल पॉइंट काउंट करनी है, डिजिट डेसिमल की बात कितने डिजिट है 1, तो यहाँ लेफ्ट साइड से आपको 1 डिजिट1 डिजिट आपको डेसिमल अप्लाई करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका प्रोडक्ट का। 5 4 5 9 3 1 3 5 14 5 5 4 9 5 14 5 5 4 9 9 4 13 3 1 0 0 प्लस 1 इज 1 ऐड कर दीजिए 0 प्लस 1 इज 1 अब काउंट कीजिए कितने डेसिमल डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट के बिफोर क्या लगा देंगे डेसिमल, आगे कोई इंटीजर पार्ट नहीं इसकी क्या लिख सकते हैं 0, तो आंसर इज 0.1395। तो आपने देखा बहुत इजी मेथड है, तो दिस इज वेरी इजीएस्ट मेथड। नेक्स्ट अब डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, डिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन 45.2 डिवाइडेड बाय 8, 45.2 को डिवाइड करेंगे 8 से, देखिए 45.2 डिवाइडेड बाय 8 5 का 40 8 5 का 45 अब नेक्स्ट डिजिट लाइए 2 डेसिमल डिजिट है ले आएंगे, यहां डेसिमल नहीं लिखेंगे क्योंकि डेसिमल से डिवाइड करेंगे तो यहां आप डेसिमल अप्लाई करेंगे 8 5 का 40 8 6 का 48 माइनस कीजिए 2 - 4 नॉट पॉसिबल, 12 - 8 = 4 इज द 4 - 4 = 0 अब 4 से डिवीजन पॉसिबल नहीं, 0 अप्लाई कीजिए, 0 अप्लाई जब डेसिमल अप्लाई होता है तब यहां पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट पहले ही लग चुका है, इसलिए यहाँ 0 आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं 40 8 5 का 40 8 5 का 40, तो आंसर इज 5.65। तो जब भी डेसिमल डिजिट स्टार्ट हो जाती है वहीं आपको आंसर में क्या लगाना है डेसिमल, तो क्वेश्चन इज 5.65 रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो बहुत इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं इसके। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप चाहें तो डेसिमल को हटा के इंटीजर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई पार्ट 35.8255 डिवाइडेड बाय 5.23, बोथ हैव द डेसिमल डिजिट्स 35.8255
divided by 5.23. कैसे डेसिमल पहले डिनोट का डेसिमल हटाइए, पॉइंट पर कितने डिजिट, 2 डिजिट, उसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। जब भी न्यूमेरेटर पार्ट का डेसिमल हटाते हैं तो उसकी जीरो करके डिनोट करते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो पॉइंट हटाएंगे 4 डिजिट, 1 2 3 4, पॉइंट का 4 डिजिट दी इसकी 40 से पहले 20 से 20 तो कैंसिल। क्वेश्चन चेंज हो गया, 358255 डिवाइडेड बाय 5, 2, 3 एंड 100। अब इस क्वेश्चन में आप 100 से पहले 0 भी लगा सकते थे, फिर उसको पूरी से डिवाइड करते हैं, या इसके जगह आप क्या करेंगे, इस डिजिट को इससे डिवाइड कर देंगे, देन फिर डिवाइडेड बाय 100। हंड्रेड्स में जब भी नीचे हंड्रेड्स की या जीरोस की फॉर्म आती है तब इजीली डिवाइड हो सकता है। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ओनली देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए डिवाइड कीजिए 358255 डिवाइडेड बाय 523, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड कर लेंगे। 100 से इजीली नहीं कर रहे क्योंकि आप देखेंगे बहुत इजी है, जैसे 358 इस वन से 523, 523 is more than 2, 358 4 digit नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 जा से करते हैं, 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 हो गया 16, 6 1 के 5 से जा 35 36 हो गया, इसकी 6 से करेंगे 6 3 जा 18 6 2 जा 12 1 13 1 पेरे 6 5 30 प्लस 1 30 1 3 1 3 8, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 माइनस 8, नॉट पॉसिबल टेकिंग 1, 12 माइनस 8 इज 4, यहाँ हो गया 7, 7 माइनस 3 इज 4, 5 माइनस 1 इज 4, तो इसे 444। नेक्स्ट इसके आगे का हम सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट 5 को 523 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 41। फर्स्ट इतना भी आता है 6 टाइम, नेक्स्ट 8 टाइम, 4 1 8 4, 5 minus 4, 1, 4 minus 8, not possible taking 1, 14, 14 minus 8 is 6, 3 minus 1 is 2 and 0. Next, taking the 5, up. Next check करते हैं कितने times आता है ये division, 523 को 5 times, 5 3 जा 15, 5, 1 get 5 2 जा 10 plus 1, 11, 1 के लिए 5 5 जा 25 plus 26, एग्जैक्ट टाइम यह है 5 टाइम्स, 2 6 1 5। अब देखिए कितने टाइम्स में डिवाइड किया है, 685 टाइम्स, क्वेश्चन इज 685, बट आपने देखा था नीचे 685 अपॉन 100 था, क्योंकि हमने जब डेसिमल पार्ट बताया तो 358255 डिवाइडेड बाय 523 इंटू 100 था, 523 से तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, पर 100 से डिवाइड नहीं किया था, मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया था, आप देखेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, कितने जीरो से 1 2, तो 2 डिजिट से बिफोर आपके लगा देंगे इसमें डेसिमल 1 2 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.85 आंसर। तो मैंने आपको 2 मेथड से डिविजन बताया, एक तो डायरेक्टली आप डेसिमल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है डिवाइड कर दीजिए, एक क्वेश्चन होता है कि पहले आप डेसिमल हटा दीजिए उसके बाद दें डिवाइड करें, और नीचे जब भी जीरोस की फॉर्म आती है उसके बाद डिवाइड करें, डायरेक्टली डेसिमल अप्लाई हो सकता है, जबकि आप अगर यहाँ 3 0 होते तो बिफोर द 3 डिजिट अप्लाई डेसिमल, 1 डिजिट होता तो यहाँ लगता पॉइंट, तो इस तरीके से आप डिवाइड इजिली कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 50, ऑन द पेज नंबर 50
convert the following decimals: 9.2 meter and centimeter. Meter को आपको centimeter, large unit को small unit convert करना है, तो it means 1 meter equals to 100 centimeter. 1 meter equals to 100 centimeter. Meter को centimeter में convert करना है, तो large unit को small unit. तो जब भी large unit को small unit में convert करते हैं, तो multiply होता है. 9.2 multiply by 100. और जीरो से फॉर्म से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं अपने डिजिट्स, तो डेसिमल का हो जाएगा टू डिजिट तक जाएगा, 920. 9.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 920. तो ये यूनिट इसमें कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर. तो 9.2 मीटर इक्वल्स टू 920 सेंटीमीटर. नेक्स्ट सी पार्ट, 150 ग्राम कन्वर्टेड टू द केजी. 150 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए. C part for C on page number 50. 150 gram into kg. Gram to kg convert karna, 1 kg equals to 1000 gram. So 150 gram to, ab gram to convert karna kg mein, small unit, large unit mein convert hogi, isliye kya hua, divide by 1000. 10 cancel, 20 se 20 ke before kya jayega decimal, to answer is 0.15. आंसर क्या होगा, 0.15 केजी. तो इस तरीके से आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कन्वर्ट किया थे. ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है. स्टेटमेंट के क्वेश्चन सिंपल से इज एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नंबर इज दिस वन. वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, द सम ऑफ द टू नंबर इज 140. सम देयर आर टू नंबर्स, का सम ऑफ टू नंबर इज 140.5 एंड वन नंबर आपको गिवन है, वो है 9.356. तो फाइंड द सेकंड नंबर. अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1.5 से 9.356 को सब्रेट करेंगे उसके बैक साइड में कोई नहीं दिए 0 माइनस 6 नॉट पॉसिबल टेकिंग 1 10 10 माइनस 6 4 दिस वन इज 9 9 माइनस 5 इज 4 दिस वन इज 4 4 माइनस 3 इज 1 पॉइंट 0 माइनस 1 पॉसिबल टेकिंग 1 10 10 माइनस 9 इज 1 3 1. तो आंसर इज 131.14. टू नंबर्स का सम दे रखा था 140.5, वन नंबर 9.356, तो सेकंड नंबर फाइंड करना था. तो फर्स्ट डिजिट में से सेकंड डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सेकंड डिजिट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राकेश परचेज द 10 केजी एप्पल इफ 1.789 केजी विल बी फाउंड स्पॉइल्ड. ठीक है, 1.789 केजी क्या हो गए, खराब हो गए 16 केजी में से. तो 10 केजी 560 ग्राम वर बी कंज्यूम, हाउ मच वेट एप्पल वॉज लेफ्ट. देखिए, एक पर्सन था जो कुछ फूड्स परचेस करके लाया, एप्पल्स परचेस करके लाया. टोटल परचेस करने के लिए टोटल एप्पल, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, टोटल एप्पल थे उसके पास 16 केजी, उसमें से स्पॉइल हो गए, खराब हो गए, सड़ गए, स्पॉइल 1.789. तो पहले 16 में से 16 केजी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 1.789. इधर से मान क्या कहते हैं, 10 9 9, और यहाँ लेकर 10 minus 9 1 9 minus 8 1 9 minus 7 2 0.5 minus 1 4 1. अब कितना लेफ्ट है, 14 kg 211 gram. नेक्स्ट, 10 kg 560 gram वर कंज्यूम. अब कंज्यूम हो गए, खर्च हो गए कितने, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 kg 560 gram, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब रिमेनिंग क्या रहता है, 1 minus 0 1 1 minus 6 not possible taking 1 11 11 minus 6 is 5
जैसे वन कैरी लिया तो यहाँ वन देखें, वन कैरी लेंगे तो इलेवन, इलेवन माइनस फाइव सिक्स, नेक्स्ट थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री के जी सिक्स, 51 ग्राम वॉज लेफ्ट, इतना लेफ्ट रहा था कितना, थ्री के जी 651 ग्राम वॉज लेफ्ट। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन नंबर 8 में 13 स्लैब ऑफ चॉकलेट वेट इज दिस वन, हाउ मच वन स्लैब ऑफ चॉकलेट, वन जब भी आपसे वन का पूछा जाता है मोर देन वन की वैल्यू गिवन होती है, वन की वैल्यू का जाता है जब क्या करते हैं आप डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड टू डिवाइड, 6.682 डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन नंबर 7 में वन बॉटल जूस कैपेसिटी इज 1.04 लीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द 8 सच बॉटल, 8 की पूछना है, 1 की वैल्यू गिवन है और 8 की आपसे पूछना है, तब आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 1 लीटर की कैपेसिटी है 1.04 लीटर, 8 की पूछना है आपसे, तो 1.04 मल्टीप्लाई बाय 8, 84 या 32, 80 या 0, 3 या 32, 81 या 8, हाउ मेनी डेसिमल पार्ट, 2 डिजिट, तो आंसर इज 8.32 लीटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व डेसिमल पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस आर द ऑपरेशन ऑफ डेसिमल्स क्वेश्चंस। थैंक्स।